हाय, मैं हूँ तुषाबा और आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, बॉलीवुड में शादियों का सिलसिला जारी है और अभी हाल ही में नवंबर 14 और 15 को हुई थी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी, और अब होने जा रही है दिसंबर 1 और दिसंबर 2 को बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और यूएसए के मशहूर सिंगर निक जोनस की शादी। तो चलिए पहले नजर डालते हैं ये दोनों कैसे मिले और इन दोनों का प्यार कैसे बढ़ा आगे। प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से मिली मेट गाला में 2017 में, और फिर इसके बाद वो दोनों यही साल यानी कि 2018 में डेट करना शुरू किए और अब इन दोनों का प्यार बनने जा रहा है शादी के बंधन में। नवंबर 30 तारीख को इन दोनों की हुई संगीत सेरेमनी, और अब ये दोनों भी बाकी बॉलीवुड सेलेब्स की तरह एक नहीं बल्कि दो रिवाजों में करेंगे शादी। एक तो होगी पहले दिसंबर 1 को निक जोनस के हिसाब से क्रिश्चियन वेडिंग, और फिर दूसरी होगी प्रियंका चोपड़ा के रिलीजियस अनुसार एक हिंदू ट्रेडिशनल वेडिंग। ये दोनों की शादी की तैयारियां तो हो गई है चालू। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस पहुंच चुके हैं अपने वेडिंग के वेन्यू पर, जो हो रही है जोधपुर में उमेद भवन पैलेस में। और ना ही प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस पहुंच चुके हैं अपने वेडिंग वेन्यू पर साथ साथ इन दोनों के परिवार भी पहुंच चुके हैं इन दोनों के वेडिंग वेन्यू पर। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन फिलहाल पहुंच चुका है जोधपुर में इन दोनों के परिवार से। सबसे पहले हम बात करते हैं निक जोनस के भाई केविन जोनस और उनकी पत्नी डैनियल जोनस को। दोनों को साथ में जोधपुर एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया था, और फिर कुछ समय बाद केविन जोनस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए बताया कि वो जेट लैग महसूस कर रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी भी फील कर रहे हैं। इसके बाद निक जोनस के सबसे छोटे भाई फ्रैंकी जोनस को भी हाल ही में स्पॉट किया गया जोधपुर एयरपोर्ट पे। चलिए अब बात करते हैं हमारी दुल्हन की फैमिली के बारे में। प्रियंका चोपड़ा की फैमिली में से हाल ही में परिणीति चोपड़ा को जोधपुर एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया था, और माना जाता है मधु चोपड़ा जल्द ही पहुंच जाएंगी जोधपुर और उन्हें भी स्पॉट किया जाएगा वहां पर। चलिए अब बात करते हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलेब्स के बारे में, जिन्हें स्पॉट किया है जोधपुर एयरपोर्ट पे, जो करने वाले हैं इन दोनों की वेडिंग अटेंड। अब हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री में से पहुंच चुकी है सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा अपने बेटे आहिल के साथ। दोनों ही काफी थके हुए भी दिख रहे हैं, और फिर मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी, जिन्होंने साथ ही साथ बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के वेडिंग भी सीए हैं, उन्हें भी स्पॉट किया गया जोधपुर एयरपोर्ट पे, जो अटेंड करने वाले हैं प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग। इससे शायद अंदाजा लगाया जा सकता है शायद प्रियंका चोपड़ा भी पहनने वाली है सब्यसाची मुखर्जी का डिजाइन किया हुआ वेडिंग लहंगा। और साथ ही साथ जोधपुर एयरपोर्ट पे देखा गया मानसी स्कॉट को भी, जो एक बहुत ही बड़ा बल्कि लगेज कैरी कर रही है। आगे प्रियंका चोपड़ा के परिवार में से प्रियंका चोपड़ा के अंकल प्रदीप चोपड़ा को भी स्पॉट किया गया जोधपुर एयरपोर्ट पे। ये तो कुछ ही गेस्ट लिस्ट स्पॉट की गई है जोधपुर एयरपोर्ट पे, आगे और भी कई गेस्ट आने वाले हैं बाकी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी में। ना ही इन दोनों की शादी की गेस्ट लिस्ट बहुत ही बेहतरीन है, पर साथ ही साथ इन दोनों की शादी का वेन्यू भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये दोनों शादी करने वाले हैं उमेद भवन पैलेस में जोधपुर में, और इन दोनों की शादी के वेन्यू के बाहर पापाराजी यानी कि मीडिया पहले से ही पहुंच गई है, और इसी वजह से इन दोनों की शादी के वेन्यू की खूबसूरत पिक्चर्स सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरती से सजाया है इन दोनों का शादी का वेन्यू। और तो और रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस पहनने वाले हैं कलर कोऑर्डिनेटेड कपड़े, और साथ ही साथ प्रियंका चोपड़ा ने ये भी कंफर्म किया है कि अपने दोनों शादी के कपड़ों में से वो कम से कम एक कपड़ा तो राल्फ लॉरेन का जरूर पहनेगी। तो इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि प्रियंका चोपड़ा अपने क्रिश्चियन वेडिंग में राल्फ लॉरेन का कपड़ा पहनेंगी। इन दोनों की शादी जितनी रॉयल होने वाली है उतना ही रॉयल वेलकम होने वाला है इनकी शादी में आए हुए गेस्ट का। इनकी शादी में आए हुए सारे गेस्ट को प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस देने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर, जिसमें हमें लगता है होने वाला है इन दोनों के नाम के इनिशियल्स यानी कि एन और पी लेटर के की चेन्स, बैक टैग और ऐसी कई अलग चीजें, और साथ ही साथ ये गिफ्ट्स को रैप किया हुआ है सिल्क मटेरियल के कपड़े में। हमें ये भी खबर आई है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी में फोन अलाउड नहीं है, इन दोनों की शादी से बैन कर दिए गए हैं सभी के फोन। तो आप समझ लीजिए जितना मुश्किल हुआ था रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी की फोटोज मिलने के लिए, उतना ही शायद मुश्किल हो सकता
लगता है प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी की फोटोज देखने के लिए। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं दोनों की शादी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। बॉलीवुड की ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।